आज तारीख हो चुकी है 10 अक्टूबर। आज एक बार फिर से वर्ल्ड कप को लेकर, आईपीएल को लेकर, क्रिकेट जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आती है वह यहाँ पर टीम इंडिया के ट्रेवल किट को लेकर। दरअसल टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए इस साल यहाँ पर स्पेशल जर्सी लॉन्च करी, इसके साथ ही यहाँ पर ऑरेंज कलर की प्रैक्टिस जर्सी भी लॉन्च करी। अब टीम इंडिया ने यहाँ पर अपनी ट्रेवल किट, ट्रेवल जर्सी भी लॉन्च और रिवील कर दी। आप अपनी स्क्रीन पर टीम इंडिया की यहाँ पर ट्रेवल किट देख पा रहे होंगे। इस किट में, इन कपड़ों में टीम इंडिया ट्रेवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टीम इंडिया ने पहला मुकाबला चेन्नई में खेला, तो चेन्नई से दिल्ली आने में अब जो भी ट्रेवल होगा, जो भी यहाँ पर फ्लाइट्स और बस से जो भी ट्रेवल होगा, उस ट्रेवल के दौरान टीम इंडिया इस जर्सी का प्रयोग करेगी। कल दिल्ली आते हुए टीम इंडिया इस जर्सी में यहाँ पर नजर आई थी। आप कमेंट करके बताइए आपको टीम इंडिया का आखिर ट्रेवल किट कैसा लगा है, 10 में से आप कितने नंबर दोगे, और ऑरेंज जर्सी और यहाँ पर वर्ल्ड कप की जर्सी कैसी लगी, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है पाकिस्तानी कॉमेंटेटर और पाकिस्तानी एंकर यहाँ पर जैनब अब्बास की तरफ से। दरअसल जैनब अब्बास को कल बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर अब वर्ल्ड कप से यहां पर हटा दिया। इनको यहां पर टोटली पाकिस्तान भेजने का पूरा प्रबंध कर दिया। आज यहां पर पाकिस्तान ये पहुंच जाएगी। दरअसल यहां पर ये कमेंट्री करने के लिए और एंकरिंग करने के लिए यहां पर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के साथ भारत आई थी, जहां पर आईसीसी ने इनको हायर किया था। लेकिन इससे पहले 2017 में और 2015 में भारत के खिलाफ इन्होंने ट्विटर पर काफी अधिक टिप्पणियां की थी। इवन पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर इन्होंने भारत की काफी अधिक आलोचनाएं करी थी, जहां पर भारत में जो यहां पर बीफ, यहां पर बैन है उनको लेकर, इसके साथ ही यहां पर भारत की यहां पर सोच को लेकर और इंडियंस का इन्होंने काफी अधिक मजाक उड़ाया था। तो इस वजह से अब यहां पर बीसीसीआई ने एक्शन लिया। इतने दिन बीसीसीआई को पता नहीं था कि ये भारत में, बीसीसीआई को पता चला है कि ये भारत में, तो बीसीसीआई ने इनको यहां पर कंप्लीटली वर्ल्ड कप से हटा दिया और अब इनकी यहां पर भारत से छुट्टी कर दी। आप कमेंट करके बताइए आपको ये बीसीसीआई का सही फैसला लगा है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। दरअसल आईपीएल अब हैदराबाद के यहां पर टीवी चैनल पर अगले साल से शायद हमें टेलीकास्ट होता हुआ देखिए, जहां पर स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार करंटली काफी अधिक घाटे में चल रहे और अपने यहां पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ये बेचने की तैयारी में। जहां पर खबर है कि यहां पर सन टीवी, जो कि हैदराबाद के ओनर का यहां पर ब्रांड है, इनका यहां पर टीवी चैनल है, इस चैनल को ये यहां पर अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच रहे हैं, जहां पर हॉटस्टार के और स्टार स्पोर्ट्स के टीवी और मोबाइल के यहां पर दोनों ही राइट्स बेच रहे हैं। हालांकि आईपीएल मोबाइल में तो जियो सिनेमा में आता है, लेकिन टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर यहां पर आईपीएल आता है। तो हैदराबाद के ओनर से सन टीवी यहां पर, जो कि इनकी कंपनी है, वो यहाँ पर शायद आईपीएल के यहाँ पर टीवी के राइट परचेस कर ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एसआरएच की टीम का और ओनर्स का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है शुभमन गिल की तरफ से। दरअसल शुभमन गिल, जो कि यहाँ पर पहले मुकाबले में अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं पाए थे, अब खबर है कि दूसरे मुकाबले में भी ये उपलब्ध नहीं रहेंगे, जहाँ पर बाकी सारी टीम दिल्ली आ चुकी है। लेकिन शुभमन गिल अभी भी चेन्नई में हॉस्पिटल में, अब भी यहाँ पर मेडिकल टीम के अंडर है, ये यहाँ पर अब भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर शुभमन गिल दिल्ली में टीम को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। होपफुली यहाँ पर रिपोर्ट ये कि 70-80% करंटली चांस है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये उपलब्ध हो जाए, जहाँ पर भारत के पिछले रिसेंटली 1-2 साल में ये सबसे बेस्ट ओपनर है और आज की तारीख में ये एक डेंगू की बीमारी की वजह से टीम इंडिया के साथ मौजूद नहीं है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर गिल के आ जाने के बाद टीम इंडिया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है हमारी प्रिडिक्शन को लेकर। दरअसल वर्ल्ड कप की ये हमारी लगातार यहाँ पर चौथी प्रिडिक्शन सही हो चुकी है, जहाँ पर वर्ल्ड कप में अब तक हमने जो जो प्रिडिक्शन दी ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर सही हुई। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कल मुकाबले से पहले हमने बता दिया था कि न्यूजीलैंड की टीम मुकाबला जीतेगी और यहाँ पर न्यूजीलैंड ने काफी कंफर्टेबली मुकाबला जीता है। आज यहाँ पर वर्ल्ड कप के दो मुकाबलों के दोनों मुकाबलों की प्रिडिक्शन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले जानने को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। 10 बजे वाले मुकाबले की 9:30 बजे प्रिडिक्शन पता चल जाएगी, 2 बजे वाले मुकाबले की यहाँ पर 1:30 बजे प्रिडिक्शन पता चल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप मस्ट ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए कि आप एशिया कप और आईपीएल और वर्ल्ड कप में आपने टेलीग्राम पर हमारी प्रिडिक्शन यहाँ पर फॉलो करी है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली और नवीन उलग की तरफ से। दरअसल विराट कोहली और नवीन उलग के बीच हमने देखा था कि आईपीएल में एक बड़ा विवाद हुआ था, इसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये काफी बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन फाइनली अब लंबे समय बाद ये दोनों आमने सामने होने वाले, जहां पर 11 तारीख को भारत अफगानिस्तान के मुकाबले के दौरान ये दोनों आमने सामने होंगे, जहां पर नवीन
गेंदबाजी करेंगे विराट कोहली, इनके अगेंस्ट बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि यहाँ पर कल दिल्ली में शाम को यहाँ पर खबर ये है कि टीम इंडिया और नेपाल की टीम जब दिल्ली में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी तब यहाँ पर नवीन ने विराट से मुलाकात करी थी। रिपोर्ट्स ये भी कि नवीन ने विराट से माफी मांगी थी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से सोशल मीडिया पर खबरें यहाँ पर फैल रही। हालांकि अगर विराट कोहली से इन्होंने माफी मांगी होगी तो कल मुकाबले के दौरान ये वैसे ही पता चल जाएगा विराट कोहली के बिहेवियर से और तरीके से वैसे ही पता चल जाएगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप विराट वर्सेस नवीन आखिर भारत अफगानिस्तान के मुकाबले के दौरान देखना चाहते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती धर्मशाला के आउटफील्ड को लेकर। दोस्तों इंग्लैंड और बांग्लादेश का आज यहाँ पर धर्मशाला में मुकाबला होना है और धर्मशाला में कल जब इन दोनों टीमों ने प्रैक्टिस करी थी तो धर्मशाला के आउटफील्ड पर ये दोनों टीम के खिलाड़ी यहाँ पर फिसल रहे थे, काफी दिख गिर रहे थे। आउटफील्ड टोटली खराब है। इवन यहाँ पर जो इस स्टेडियम में बांग्लादेश का अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ था वहाँ पर अफगानिस्तान का एक खिलाड़ी इंजर्ड भी हो गया था। तो जॉस बटलर और बाकी टीम को यानी दोनों ही टीम को ग्राउंडमैन की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कल मुकाबले के दौरान कोई भी आउटफील्ड पर डाइव ना लगाए अदरवाइज वो इंजर्ड हो सकता है। तो जॉस बटलर है इससे कुछ नहीं है, उन्होंने बताया कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इस प्रकार से फैसिलिटीज है, इस प्रकार से यहाँ पर करंटली आउटफील्ड है तो वो इससे कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पर टीम इंडिया का भी एक मुकाबला धर्मशाला में यहाँ पर होना है तो इस आउटफील्ड से टीम इंडिया को भी काफी अधिक समस्या है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर बीसीसीआई को अगली बार इस प्रकार से वर्ल्ड कप के राइट्स मिलने चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आज होने वाले वर्ल्ड कप के दो मुकाबलों को लेकर। दरअसल आज हमें डबल हेडर यहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर सुबह 10 बजे से हमें बांग्लादेश इंग्लैंड का धर्मशाला में मुकाबला देखने को मिलेगा जबकि शाम 2 बजे से हमें पाकिस्तान और श्रीलंका का यहाँ पर हैदराबाद से मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पर चारों ही टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये मुकाबले होंगे। तो कुल मिलाकर दोनों मुकाबले आप स्टार स्पोर्ट्स हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हो। वैसे आप कमेंट करके बताइए दोनों मुकाबलों में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी टीम आज के मुकाबले जीत रही है। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।